और नीचे अंधेरे में आ चुके हैं और शायद ही आपको कुछ दिख नहीं नहीं रहने के लिए नहीं था ये स्नान हाँ स्नान करने के लिए या तो फिर गांव वालों के लिए पानी भरने के लिए नहीं नहाने के लिए भी नहीं बोल सकते जो वाव में आता है ना दैट मीन्स कि उसका यूज सिर्फ पीने के लिए होता है पानी के लिए जो वाव होती है तो वो सिर्फ पानी के लिए होता है और जो कुंड होता है वो स्नान करने के लिए रहता है बहुत ही ऑसम है और काफ़ी खुश हूँ ये जगह देखकर बहुत सालों से गुजरात में है फिर भी ये जगह नहीं देखी ओके तुम्हारा माइन सो हो रहा है किसी ने कुछ जलाया हो ऐसा पानी नहीं है बट लुक एट द व्यू वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुज्जू राइडर के चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है दोस्तों ये जो जगह है ये वाला वीडियो नहीं दिखा हो तो इसके पहले ही अपलोड हो चुका है तो वो वाला वीडियो ज़रूर से देख लेना और राइड कंटिन्यू चल रही है एक पे एक वीडियो शूट किए जा रहे हैं एक से एक जगह है जो गुजरात में वो एक्सप्लोर किए जा रहे हैं और गुजरात घूमना है मेरा काम गुज्जू राइडर है मेरा नाम ऐसे ही एक और जगह एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं अभी हम लोग जा रहे हैं अडालज अडालज की वाव है वो बहुत फेमस है और गांधीनगर अहमदाबाद के बीच में है और यहाँ पर छाला से हम लोग अभी अपनी राइड कंटिन्यू कर रहे हैं तो यहाँ से 32 से 33 किलोमीटर की दूरी है जो हमें तय करनी है आपको बस एक ही काम करना है घर बैठे बैठे आप ये सब वीडियो देख पा रहे हो घर बैठे ये बहुत सारी जगह है वो आप घर बैठे देख रहे हो तो बस वीडियो को शेयर कर देना है लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है बेल आइकन को ऑन कर देना है जिससे मैं जैसे ही नया वीडियो नई जगह जाके एक्सप्लोर करूँ नया वीडियो डालूँ वो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए तो देर नहीं करते अपनी राइड स्टार्ट करते हैं तो छाला वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो ज़रूर से देखिएगा अब छाला गांव को अलविदा कह दिया है और यहां से निकल चुके हैं अडालज की वाव देखने के लिए जा रहे हैं दो वाव है जो अहमदाबाद गांधीनगर के बीच आई हुई है और काफ़ी खूबसूरत है तो उसी वीडियो के लिए हम आज जा रहे हैं और सामने आप देख रहे हो गांधीनगर में जो एक थर्मल पावर स्टेशन है वो दिख रहा है काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है और ये ब्रिज के ऊपर से अभी हम लोग जा रहे हैं वैसे अहमदाबाद और गांधीनगर का जो रास्ता है काफ़ी अच्छा रहता है बट थोड़ा ट्रैफिक वाला रहता है लेकिन हम फटाफट से ट्राई करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम वहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर कुछ स्पीड लिमिटेशंस भी है तो कम स्पीड में चलते हैं और ये यहाँ पर एक सरिता उद्यान करके आया हुआ है ये जगह मेरी लिस्ट में है बट अभी मैं यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ एक दिन आऊँगा पूरा एक्सप्लोर करूँगा काफ़ी अच्छी जगह है मैंने ऐसा सुना है और एयरपोर्ट वाले रोड पर हम निकल चुके हैं इसी रोड से हमें आगे जाना है काफ़ी बढ़िया एटमोसफियर है यहाँ पर है इंड्रोरा पार्क ये वाला वीडियो मैंने कवर किया हुआ है अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो अभी आपको आई सेक्शन में नज़र आ जाएगा वहाँ से क्लिक करके आप जा सकते हो हमारा नेशनल फ्लैग सैल्यूट तो बनता है और अब यहाँ से इसी सर्कल से हमें स्ट्रेट जाना है गूगल मैप मेरा हमेशा ऑन रहता है क्योंकि यहाँ पर रास्ता भूल जाना आम बात है सभी रास्ते एक जैसे दिखते हैं और यहाँ से कुछ कच्चा रास्ता मुझे मिला है और ज़्यादा रास्ता आपको नहीं दिखाऊँगा फटाफट से ये कच्चा रास्ता क्रॉस कर लेता हूँ और बिल्कुल यही पास में है अडालज की वाव जो मैंने अभी मैप में देखा और ये बहुत ही गंदा यहाँ पर और शायद यहीं कहीं होना चाहिए एंट्रेंस यहीं से मोड़ लेता हूँ यहाँ जा रहे हैं लोग यहाँ से बाइक को निकाल सकते हैं शायद अंदर पार्किंग है और बहुत सारे व्हीकल पार्क किए हुए तो यहीं से चलते हैं यहाँ पर पार्क कर देता हूँ खाने पीने की कुछ स्टॉल्स हैं आप देख सकते हो तो यहाँ पर आप पार्क कर देते हैं तो दोस्तों लोकेशन पर पहुँचे हैं अडालज की वाव और टिकट चार्जेस बताऊँगा तो फ्री आज शायद हेरिटेज डे है सब बोला तो आज टिकट फ्री है और नॉर्मल डे पे वैसे 25 रुपये टिकट रहता है और यहाँ पर पहुँचे हैं अब आपको लोकेशन दिखाते हैं पहले मैं घूम लेता हूँ थोड़ा फिर डिटेल कलेक्ट करके आपको शेयर करता हूँ तो ये है अडालज की वाव और ये देखिए बहुत सारे लोग विजिट करने के लिए आते हैं
और यहाँ पर फोटोग्राफी भी चल रही है, प्री वेडिंग कर रहे हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं डल लेक की वाव और नीचे से आ रहे हैं, तो लोकेशन आपसे शेयर करेंगे, दिखाता हूँ। जस्ट फटाफट से अंदर चलते हैं हम लोग और नीचे काफ़ी अंधेरा है, बट हम ट्राई करेंगे एकदम नीचे जाने का। और व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी, जस्ट लुक एट द एटमोसफियर ओवर हियर एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड क्लीनेस्ट वाव इन अडालज। लेट्स गो टू द डाउन साइड, नीचे तक जाके दिखाएंगे आपको और यहाँ से ऊपर का नज़ारा देखिए स्टेप बाय स्टेप। और नीचे अंधेरे में आ चुके हैं और शायद ही आपको कुछ दिख रहा होगा अब। और सामने है बहुत ही ब्यूटीफुल जगह और ये है यहाँ का कुंड, वहाँ बोल सकते हो यहाँ से पानी आता है। अगर मंजिला काउंट की है तो 1, 2, 3, 4 और 5 पांच मंजिलों जितनी हाइट है यहाँ से। देख, जस्ट लुक एट द एटमॉस्फेयर, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया जगह। तो ये है अडालज की वाव और इस लोकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जगह कैसी लगी कमेंट ज़रूर से कीजिएगा और लाइफ में एक बार ऐसी हेरिटेज साइट, ऐसी हिस्टोरिकल साइट पे ज़रूर से विज़िट कीजिएगा। और भी बारीकी से मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर जो भी आर्किटेक्चर है, जो भी डिज़ाइंस है, वो सब आपको शेयर करूँगा। तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। तो लो लाइट के अंदर शूट कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बारीकी सा अंधेरा है बट बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, वन ऑफ द बेस्ट एवर प्लेस I seen in my life, beautiest place in Adalaj. So almost देख लिया है जगह, अब आगे चलते हैं। अगर आगे जाने देते तो वो और मज़ा आता, बहुत ही बढ़िया बढ़िया जगह तो आगे है। सीरियसली आज की जो ट्रिप है बहुत ही ऑसम है और काफ़ी खुश हूँ ये जगह देखकर। बहुत सालों से गुजरात में है फिर भी ये जगह नहीं देखी। अगर आपने भी नहीं देखी है और मेरे वीडियो के माध्यम से देख रहे हो, सबको शेयर कर देना अडालज वाव। गेट है शायद बट यहाँ पर एंट्री बंद है और ये है कुछ ऐसी जगह, उस तरफ जाने का ट्राई करेंगे कहाँ से जाते हैं। यहाँ से चला जा सकता है शायद, नहीं वहीं से चलते हैं। बस चला, बस तो बोल चलो, क्या जो पूरा तो क्या नहीं यहाँ पर ऊपर की साइड मकबरे जैसा है कुछ, कब्र मुबारक है। और वाव का टॉप व्यू हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर सीढ़ियाँ भी हैं। लेट मी चेक, सो यहाँ से पूरा अडालज का वाव देख सकते हैं।
हम चलते हैं नीचे और करीब जाके देखते हैं। थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई है, अगर नीचे की ओर जाना चाहे तो जा सकते हैं, बट यहाँ पर आप देखो इसे बाउंड किया गया है तो कोई शायद नीचे गिर ना जाए इसलिए बनाया गया है। इसका टॉप व्यू देखेंगे, इसका जो कुंड है, दो कुंड हैं शायद यहाँ से दिखेंगे और यहाँ से हम नीचे जा सकते थे बट ये क्लोज किया गया है। लेट्स ग्रो फ्रॉम दिस साइड। स्टेप वेल एट हियर, एक और कुंड है यहाँ पर, अंधेरे में दिख रहा है शायद, देखो इतना क्लियरली नहीं दिखेगा बट दिखाएंगे जरूर। सो ये है अडालज की वाव और ऑलमोस्ट सब देख लिया है और बहुत सारे लोग हैं जो दूर दूर से आते हैं, फॉरेनर हैं वो भी आते हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल यहाँ पर गार्डन भी है। तो ये भी आप देख सकते हो, घना पेड़ है, कुछ बंदर है और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं। अब बारी आ चुकी है इस जगह को गुडबाय कहने की और एक और वाव है ऐसी यहाँ पर करीब, ट्राई करेंगे वहाँ पर जाने का। दो एंशिएंट वाव है अहमदाबाद गांधीनगर के अंदर, वैसे तो बहुत सारी है बट ये दो मोस्ट फेमस एंड मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं बाहर की साइड और जो टिकट जोन है वो दिखा देता हूँ और यहाँ पर खाने पीने की कुछ चीज़ें अवेलेबल है वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर कोकोनट वाटर, फ्रूट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाने के लिए मिल सकती है। तो अडालज की वाव देख ली, अब यहाँ से आगे जा रहे हैं अम्बापुर की वाव जो यहाँ से है 4.2 किलोमीटर, 9 मिनट दिखा रहा है, तो 10-11 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो लेट्स गो। मेन गेट है वैसे और बाजू में एक मंदिर जैसा है अडालज में। तो अडालज की वाव हमने देख ली वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना। और अभी यहाँ से निकल चुके हैं अम्बापुर वाव के लिए, जो गांधीनगर वाला जो एरिया है वहाँ पर आई हुई है और ये बिल्कुल गांव के बीचों बीच है, कोई शहर नहीं पड़ता है, ये पूरा गाँव वाला एरिया है। तो ज़्यादातर रास्ता नहीं बताऊंगा और आप देख रहे हो कि पूरा गांव वाला माहौल आ चुका है, काफ़ी क्लोज आ चुके हैं हम हमारे एक और डेस्टिनेशन के। तो आप देख सकते हो सामने और ये पूरा गांव वाला एरिया, यहां से अब लेना है लेफ्ट, शायद देख सकते हैं, हां बस यहां पर पास ही में है सामने में ये एक मंदिर है, उसके बिल्कुल बाजू में ही ये वाव है, अम्बापुर की वाव आई हुई है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो हिस्ट्री बाहर से ही बता देते हैं और एंशिएंट वाव अम्बापुर 15वीं सदी में बनाई गई है और किसने बनाया है यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है और हर वाव पे यही लिखा हुआ होता है कि तरसे के लिए, मतलब जो प्यासा है उसके लिए बनाया है। लेट्स गो एंड वॉच इनसाइड। सो अम्बापुर वाव पहुँचे हैं और अडालज वाव से 4 से 4.5 किलोमीटर की दूरी थी और अभी बजा है 1:22 और पहुँच चुके हैं यहाँ पर। एक मंदिर है और उसके बिल्कुल नीचे एक वाव आई हुई है और यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा है लोगों का, तो उनको छोड़ के अब लोग हम लोग वाव देखेंगे। सो लेट्स गो फॉर वॉच वाव।
जस्ट लुक एट द आर्किटेक्चर, टेक्सचर्स एंड मैनी मोर इनसाइड। वाव, क्या ही कारीगरी है, आप देख सकते हो। सो 15वीं सदी में बनाई गई ये वाव है, अम्बापुर वाव, जो गांधीनगर में है। गुड जॉब। सो एकदम नीचे जाने की कोशिश करेंगे। साफ सफाई तो अच्छी हुई है, बट अगर ये प्री वेडिंग वाले गंदा ना करे तो। ये है यहाँ से सीढ़ियाँ, और यहाँ से आप जाएंगे नीचे कुंड तक। और यहाँ पर फ्लोरिंग की बात की जिए तो 1, 2, 3 और ये 4, और नीचे भी सीढ़ियाँ है तो कम से कम 5 मंजिलों जितनी हाइट है। और चलिए मैं आप सभी को नीचे लेके चलता हूँ तट तक। वाव, व्हाट अ वाव, काफ़ी बड़ी है। धुआं धुआं सा हो रहा है, किसी ने कुछ जलाया हो ऐसा। पानी नहीं है, बट लुक एट द व्यू, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कुछ फोटोग्राफ्स लेते हैं, और आपको ये सब फोटोज देखना हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर से कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे ये सारे फोटोज अपलोड किए जाएंगे। यहाँ से देखिए, बीच में से अगर वापस जाते हैं तो भी नज़ारों से भरी हुई ये वाव है, अम्बापुर वाव। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया वाव है वैसे। ओके, तुम्हारा माइक। सो वापस जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो दो वाव दिखाई मैंने, एक अडालज की वाव और अम्बापुर की वाव, दोनों अहमदाबाद गांधीनगर एरिया में फेमस वाव है, जो मैंने आज कवर की। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और जगह कैसी लगी सबको शेयर कीजिएगा। आप जहाँ से भी देख रहे हो कमेंट करना, आप कहाँ से देख रहे हो, और आपके आसपास सभी को शेयर करना ये वीडियो। तो गुजरात घूमना है मेरा काम, गुज्जू राइडर है मेरा नाम। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए देखते रहिए गुज्जू राइडर।